एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये आप लोगों के साथ में आज मैं एक हॉल लेकर आई हूँ, बट ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग हॉल नहीं है, ये मेरा दिल्ली हॉल है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली दिल्ली गई थी। तो वहाँ से मैंने क्या क्या खरीदा, क्या क्या नहीं खरीदा, सो मैंने आप लोगों के लिए साथ में शेयर करती हूँ। और अगर इसकी आपको ब्लॉग देखना है तो आप मेरे ब्लॉग चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितने कितने में क्या क्या खरीदा, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल चीज़ें लेकर आई हूँ जस्ट लोकल मार्केट में, और जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बहुत कुछ है, ज्वेलरी भी है, कुछ क्लॉथ भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी है, चूड़ियाँ भी हैं, बहुत कुछ है। सो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये वाली फर्स्ट चूड़ियाँ हैं जो कि ये हैं, वो आप देख सकते हैं, ये वाले बैंगल्स हैं जो कि बहुत ही, ये लाक के हैं, बहुत ही प्रिटी बैंगल्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे मिले हैं। एंड मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अभी आपको, तो ये वाले आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो एक ये वाले बैंगल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये वाले देखिए, ठीक है। ये जो इसके ऊपर ये जो काम आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयरिंग चढ़ी हुई है, तो जिससे ये काम बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकता। और ये रेड है, एक ही में वाइट ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है जो कि कुछ इस तरीके से लगेंगे पहनने पर। तो आप इन्हें दो तीन कलर के साथ पहन सकते हैं, और ये जस्ट मुझे 100 रुपीज़ में मिले थे। तो ये 4 का पेयर है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। तो एक बैंगल्स और मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं कुछ गोल्ड के हैं, ये मतलब गोल्ड के मतलब गोल्ड प्लेटेड हैं, ये देखिए आप, ये हैं जो गोल्डन कलर की हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है ना, जो लुक देते हैं गोल्डन सा, जो गोल्ड की चूड़ियों का लुक देते हैं वो है, और अंदर इनके अंदर लाख भरा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से फिलिंग हो रखी है इनकी, ठीक है। तो कुछ ये हैं चूड़ियाँ जो कि ये जस्ट 150 के अराउंड मुझे मिली थी, और इनकी फुल ऑन गारंटी होती है, आप जब तक पहनो पहन लीजिए और इसको रिटर्न करोगे तो इनका हाफ प्राइस आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन और चूड़ियाँ हैं, दिल्ली में एक्चुअली क्या होता है ना, दिल्ली बहुत जो शॉपिंग के मामले में बहुत अच्छी है, हर टाइप के लोगों के लिए हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। तो एक ये वाली चूड़ियाँ हैं, आप ये देख सकते हैं, तो ये भी कुछ इस तरीके की है, मैं आपको दिखा दूँ जरा, ये देखिए, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं फिल किया हुआ है, और ये चूड़ियाँ भी मुझे 150 की में मिली हैं, ठीक है। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये मुझे किसी ने मंगवाई थी, सो उनके लिए है, पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या 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 खरीदा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो वहाँ से ही बच्चों के लिए पैंटी वगैरह लेके आई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजनेबल मिलती है वहाँ पे यार, यहाँ पे दुकानों पे तो मैं एक भी नहीं ले पाती हूँ, जितने में मुझे वहाँ दो मिल गई हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाती हूँ, ये है चैन, तो ये आप देखिए, इसका डिज़ाइन कुछ ये है, और ये फुल ऑन गारंटीड में होती है, गारंटी चीज़ में होती है, क्या आप इसको लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, या आप जब भी इसको चाहेंगे रिटर्न कर सकते हैं और इसके बदले दूसरी ले सकते हैं, या फिर आप पैसे वापस ले सकते हैं, हाफ प्राइस आपको मिल जाएगा। वो आई थिंक 350 रुपये की है ये, और ये है आई थिंक 250 की शायद, ये 200 की है, हाँ ये 200 की है, 200 या 250 ऐसा ही कुछ है, मुझे अप्रॉक्स याद नहीं है। तो ये दो चैने हैं, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इयररिंग्स। तो एक ये है जो आप देख सकते हैं, ये कुछ मुझे किसी ने मंगवाई है, सो मैंने परचेज़ की थी, तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये है वो झुमकियाँ, ये देखिए कितनी प्रिटी है ना, ये है कोई 200 रुपये की झुमकी है शायद, 200 या 150 रुपये के अंदर है, और ये कुछ इस तरीके पेच वाली है जैसे गोल्ड की होती है, ठीक है, हम करते हैं, और मैं दिखाती हूँ अभी आपको, हाँ एक और झुमकी है जो कि कुछ इस तरीके की, ये भी कुछ इतने की ही है, 100 रुपीज़ के अराउंड है, तो ये वाली हो गई। और इनके झुमकियों के साथ में दो हैं, ये जो कान की चैने होती हैं जो यहाँ से लगाते हैं ना, वो वाली, ये कुछ इस तरीके की है, ठीक है, ये हो गया। और एक है मंगलसूत्र जो लिया है मैंने, ये देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब साड़ी वगैरह पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल फिर दोबारा से बड़ों मंगलसूत्र का जो है फैशन चल गया है, सो ये वाला एक मंगलसूत्र लिया है। सो ये मेरा नहीं है, मैं अगेन मैं ये मेरा ही है नहीं, हाँ ये मेरा नहीं है,
तो मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मैंने लिया है, परचेज किया है, ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको छोटी छोटी सी एयरिंग्स, जो कि एक एयरिंग्स ये हैं जो मैंने पहनी हुई हैं। इनके कलर नहीं उड़ते, बिल्कुल गोल्ड की तरह रहती है। अभी रिसेंटली पहले मैंने ये पहन रखी थी, जब मम्मी आई थी ना, सासू माँ आई थी मेरी, तो ये वाली मैंने पहनी हुई थी, ठीक है। तो इसका देखिए कोई भी पानी वगैरह कुछ नहीं उतरा है। तो अभी फिर मैंने अपने लिए ये एक ले ली है, और जस्ट ये 50 रुपीज़ की है। तो इनका जैसे मर्जी रफ एंड टफ होती है, और इनका कोई कलर वगैरह भी नहीं उतरता। एक और ये लेकर आई हूँ, बट ये किसी और के लिए लेके आई हूँ। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये दिखेगा, फोकस नहीं कर रहा यार, ठीक है, कुछ इस तरीके की है ये, छोटी छोटी सी, ठीक। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो 50 रुपीज़ की है। और एक और दिखाती हूँ जो कि मैंने अपने लिए ली है, और वो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है झुमकियाँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इनका। और ये पिंक रोज गोल्ड के टाइप हैं, तो ये कुछ इस तरीके की हैं, और ये जस्ट 30 रुपीज़ की हैं। तो एक मैंने ये लिया था पर्स, जो कि कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं, कुछ ये है, और जो इसका प्रिंट है आप देख सकते हैं, सीक्वेंस है इसमें, सारा सीक्वेंस का काम हो रखा है, कढ़ा, और ये कुछ है ना, कढ़ाई का काम हो रखा है, रेशम का भी काम हो रखा है, तो आप देख सकते हैं नज़दीक से। और इसमें पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, पर ये सच में लुक वाइज बहुत प्यारा है, जींस वगैरह पे और लॉन्ग पर्स है ये, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा स्पेस है। मैं आपको प्रॉपर ठीक करके दिखाती हूँ, क्योंकि बैग में लेकर आई थी ना, तो ये कुछ इस तरीके का, ये देखिए, ये देखें, बैक साइड से प्लेन है, क्योंकि सही है जब हम ये सीक्वेंस है ना, कपड़ों से इलजेगा नहीं, तो अगर बैक साइड भी होता, और फ्रंट में ये है, डोरी लगी हुई है यहाँ पे, मोती लगा रखे हैं, और जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्पेस बहुत सारा है, और यहाँ पे इसमें, यहाँ पे साइड में पॉकेट दी गई है जिसमें जिप लगी हुई है, और इधर भी जिप है, देखिए इधर भी जिप है। तो ये कैसा लगा पर्स मुझे जरूर बताइएगा। ये मुझे मिला है 250 के अराउंड, ठीक है। तो ये पर्स है, एक और पर्स था, अगर फोटो होगी तो मैं इधर उधर लगा दूंगी, तो वो और ये हमने दोनों साथ लिए थे, तो वो मैंने अपनी सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर ने लिया है, और ये वाला मैंने लिया है। वो पर्स भी बहुत अच्छा था, तो मैं फोटो लगा दूंगी अगर मुझे मिला, तो मैं फोटो लेके उससे, तो वो भी 250 के अंदर मुझे मिला। तो ये हमने पर्स लिया है, एक मैंने अपनी कंप्यूटर टेबल के इधर से, ये हमारी लोकल मार्केट की शॉपिंग है, और वो कनॉट प्लेस का है, उसका ब्लॉग भी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक चैनल का आपको मैं नीचे दे दूंगी, ठीक है, तो जरूर देखिएगा, बहुत यमी, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो ये कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये है इस तरीके का डिजाइन है, ठीक है। और ये पास मैंने, इसमें ना शिमर टाइप डिजाइन है, और ये मैं कुछ, ये कवर जो है मैं इधर के टेबल के लिए लेकर आई हूँ, तो कैसा लगा। और बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है, और मोटा है, थिक है इसका कपड़ा। तो ये थी मेरी कुछ दिल्ली शॉपिंग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, और छोटे मोटे बच्चों ने भी खरीदे थे, जैसे हेयरबैंड वगैरह, क्लच, जो कि 5-5 रुपीज़ में मिल रहे थे, वहाँ पे सेल लगती है, जो कि आपको मेरे व्लॉग में दिख जाएगा, मैंने वो शूट किया है, तो 5-5 रुपीज़ में ये क्लच है ना, हेयरबैंड, क्लिप्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे जो घर के पास में लगती है सैटरडे मार्केट, तो बहुत सारा सामान मैंने उधर से लिया है, कुछ शॉप से लिया है, कुछ और जगह से लिया है, तो वो सब मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। कुछ ऐसी रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, जो कि आप लोगों को व्लॉग में दिखेगा, जो मेरी सिस्टर ने खरीदी थी, तो मैं आपको बता दूँ, कुछ इस तरीके की प्लेन जो चूड़ियाँ होती हैं, वो 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाती है, तो दो दर्जन, बहुत ही आजकल जैसे ट्रेंड में है, आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे इस टाइप की जो चूड़ियों में, लाइट पिंक, पीच, ग्रीन, येलो, रेड, हर तरीके के कलर बहुत ही रीजनेबल मिलते हैं। वहीं पर ही बहुत सारी ऐसी शॉपिंग थी है, जो जैसे कुछ मैंने की, कुछ उसने की, तो वो आपको व्लॉग में दिखेगा, व्लॉग में मोस्टली चीज़ों के मैंने रेट भी शो किए हैं। तो ये रहा आज का व्लॉग, या फिर आज की जो वीडियो है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पे मैं अपनी हॉल्स वीडियोस एंड रिव्यूज़ एंड अपने कुछ DIYs लेके आती रहूँगी, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर कमेंट में छोड़िएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक केयर।